हेलो एवरीवन, आप सभी का मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि डेली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम डिसऑर्डर यानी सेकेंड ईयर जीएनएम बेस पे हम कंडक्ट कर रहे हैं क्लास, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। पहले फेरिंजाइटिस पर नहीं पढ़ेंगे, फिर टॉन्सिलाइटिस। एक एक करके बैक टू बैक रोज डेली क्लास कंडक्ट करेंगे और एक एक डिसऑर्डर को पढ़ते हुए अपन पूरा कोर्स फिनिश करेंगे। एमएसएन है और आज का एक पॉजिटिव थॉट या एनर्जी, जो कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारा डर उसे इम्पॉसिबल बना देता है। तो नर्सिंग ऑफिसर्स, जो फ्यूचर में बनेंगे आप नर्सिंग ऑफिसर, तैयारी करो, बहुत अच्छी करो तैयारी, ताकि आप आगे से आगे जा सको। आज का पॉजिटिव थॉट यह है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है उसमें भी पॉसिबल छिपा हुआ होता है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हमारा डर है वो उसे इम्पॉसिबल बना देता है। इसलिए कुछ भी डर ना रखे, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उन लोगों तक भी ये क्लास जरूर पहुंचाएं जो इस क्लास से अभी तक भी वंचित है, वो इस क्लास को भी देख के अपने सपने पूरे कर सके। पहला टॉपिक है अपना फेरिंजाइटिस। तो आपको एक इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए, जिससे मैं बताता हूँ आपको फेरिंजाइटिस क्या होता है। ये जो दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, यानी फेरिंग्स वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे माउथ में, यानी ओरोफेरिंग्स वाले एरिया में ये फेरिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमनली। और जैसे फेरिंजाइटिस होता है, क्या है, फेरिंग्स का इंफ्लामेशन होना फेरिंजाइटिस कहलाता है। जैसे लिख रखा है इंफ्लामेशन इनटू द फेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड फेरिंजाइटिस। यह होता है मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, राइनो वायरस और मिजल्स। मिजल्स को एक क्लाम और एक पब्लिक स्पॉट भी मिजल्स को ही प्रिफर करते हैं। अब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन जो आपका कॉज है वो ग्रुप ए, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नीजीरिया गोनेरिया। अब है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी फेरिंजाइटिस कोज कर सकता है। उसमें है पहला कैंडिडा एल्बिकेंस। अब है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें अपन, तो सोर थ्रोट यानी गले में खराश, फीवर, कफ होगा, थ्रोट में पेन होगा और डिस्फेजिया होगा, मतलब निगलने में दिक्कत, क्योंकि वहीं पे फेरिंग्स में जाता है फूड और आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से डिस्फेजिया वाली कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। और डायग्नोसिस इसका ये है, सीबीसी कराना है पेशेंट का, और थ्रोट स्वाब कल्चर टेस्ट करवाना है, और फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग करना है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो अगर पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अपन को एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है। उसमें पेनिसिलिन आ जाएगा आपका, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, और ये देना है थ्री डे तक देके देखना है अपन को। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो आइबुप्रोफेन देना है, पेन किलर, और स्टेरॉइड के रूप में अपन को डेक्सामेथासोन देना है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम से आती है, और एंटीपायरेटिक यानी पीसीएम देना है। अगर वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, बेड रेस्ट के साथ में फ्लूड इंटेक भी देना है, एक्सेसिव मात्रा में उसको फ्लूड भी देना है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो वाइटल साइन चेक करना है अपन को, फ्लूड इंटेक बढ़ाना है और बेड रेस्ट देना है पेशेंट को। मेनली इसका वायरल का ये है कि बेड रेस्ट दो आप प्रॉपर तो ठीक हो जाएगा।
अब है आपका टॉन्सिलाइटिस, ये आपको इमेज बता रखा मैंने। फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें क्या बढ़ जाता है टॉन्सिल्स। फेरिंजाइटिस में फेरिंग से इंफ्लेमेशन और इसमें डीजनरेटिव चेंजेस होता है टॉन्सिल्स में और इंफ्लाम्ड हो जाता है। ये वाला आपका टॉन्सिल, ये टॉन्सिलाइटिस है कंडीशन। कोई बड़ी डिजीज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल टॉपिक है वही पढ़ा रहा हूँ आपको। अब है सेकंड है टॉन्सिलाइटिस, उसकी डेफिनेशन है इंफ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स का इंफ्लेमेशन होना दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। टाइप्स, टाइप्स में है पहला है एक्यूट, एक्यूट में है सडन स्वेलिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट नॉर्मल एनाटोमिकल पोजिशन। मतलब क्या होगा, सडन एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी टॉन्सिल्स में, और अगर ट्रीटमेंट दिया अपन ने, ट्रीटमेंट देने के बाद में वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब ट्रीट हो जाएगा और वापस अपनी एनाटोमिकल पोजीशन में चला जाएगा। अब है क्रॉनिक, रिपीटेटिव इंफ्लेमेशन इनटू टॉन्सिलाइटिस दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। मतलब टॉन्सिल्स का बार बार इंफ्लेमेशन होना या एक्यूट का बार बार होना, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का बार बार होना या रिपीटेटिव इंफ्लेमेशन टॉन्सिल्स, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसका कॉजेज है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज, मोस्ट कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है जो कि टॉन्सिलाइटिस कॉज कर सकता है। फिर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और साइटोमिगेलो वायरस है, ये भी कॉज कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो फीवर आएगा पेशेंट को, कान में दर्द यानी ईयर एक होगा, थ्रोट पेन होगा, डिसफेजिया यह कंडीशन देखने को मिल सकती है यानी निकलने में दिक्कत, हेडेक होगा, हेलिटोसिस बेड ब्रीथ फ्रॉम माउथ, थ्रोट स्वेलिंग यानी थ्रोट में स्वेलिंग आ जाएगी जो कि टॉन्सिल्स वाले पेशेंट में देखने को मिलता है टॉन्सिलाइटिस वाले। अब कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे, पहला है निमोनिया, निमोनिया होगा इंफ्लामेशन इनटू लंग पेरेन्काइमल लेयर। निमोनिया का मेनली मेन है इंफ्लामेशन इनटू लंग, लंग पेरेन्काइमल लेयर के अंदर इन्फेक्शन या इंफ्लामेशन होना। ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस का अर्थ होता है इन्फेक्शन इनटू बोन, बोन में इन्फेक्शन होना। और एक्यूट साइनोसाइटिस ये भी कॉज कर सकता है। और रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर क्या होता है, इंफ्लेमेशन स्पेशली ऑफ द हर्ट, हर्ट में ब्लड वेसल्स एंड जॉइंट इनका इंफ्लाम्ड होना रूमेटिक फीवर कहलाता है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में सेम टू सेम है जो फेरिंजाइटिस का था, सीबीसी टेस्ट और थ्रोट स्वैब कल्चर टेस्ट। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वही एंटीबायोटिक देना है, पेनिसिलिन, एंटीवायरल ड्रग देना है, सिफेलोस्पोरिन, माइल्ड एनाल्जेसिक आइबुप्रोफेन, एंटीपायरेटिक में ये चीज़ बता देता हूँ एसिटामिनोफेन, एक नाम आता है बार बार एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन को पीसीएम या पीसीएम को एसिटामिनोफेन, ये दो नाम है इनके, पीसीएम को एसिटामिनोफेन बोलते हैं। एडवाइज पेशेंट्स लाइन गार्गल, मतलब नॉर्मल साइंस है उसको गरारे कराने हैं, और इंक्रीज फ्लूड इंटेक, फ्लूड इंटेक को इंक्रीज करना है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट, टॉन्सिलाइटिस का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है टॉन्सिलेक्टोमी, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल को सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव करना जैसे ये कंडक्ट किया जा रहा है, ये देखिए। एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको पकड़ा हुआ है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, और एक के द्वारा ये होल्ड किया हुआ है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप के द्वारा टॉन्सिल्स को, और सर्जिकली कट करके निकाला जा रहा है, ये प्रोसीजर कंडक्ट किया जा रहा है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।